प्रेरणा कथा। वो टैक्सी वाला मीनाक्षी 1964 में 16 वर्ष की थी। वो दक्षिण भारत के एक छोटे से शहर में रहती थी। बचपन से ही उसने परिवार में समय समय पर होने वाली उथल पुथल को देखा था। उसके पिताजी और बड़े भाई बंबई में काम करते थे और वहाँ से मीनाक्षी और उसकी बीमार माँ को पैसे भेज देते थे। मीनाक्षी की माँ पिछले 15 वर्षों से बीमार चल रही थी। उसकी अम्मा पहले स्कूल टीचर हुआ करती थी। मीनाक्षी को समझ नहीं आता था कि वो कैसे बीमार हो गई थी और बिस्तर पर पड़ गई थी। कभी कभी तो अम्मा के लिए आंखें खोलना भी बहुत कठिन हो जाता था। मीनाक्षी को हमेशा डर लगा रहता था कि उसकी अम्मा को कुछ हो जाएगा। वो दिन में बहुत बार अपनी अम्मा की छाती पर कान रखकर उनकी धड़कन सुन लेती थी। उसको ये भी डर रहता था कि किसी दिन वो स्कूल में होगी और पीछे से अम्मा ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी। इसीलिए वो ज़्यादा समय घर में अम्मा के साथ ही बिताती थी। एक दिन अम्मा की हालत बहुत ही बिगड़ गई। उनको अस्पताल ले जाना जरूरी हो गया था। सरकारी अस्पताल घर से 1 घंटे की दूरी पर था। उन दिनों कोई सार्वजनिक गाड़ियां या बसें नहीं थी। मीनाक्षी दौड़कर नजदीक के क्राइस्ट नगर गई और एक टैक्सी लेकर आ गई। उसने सोचा था कि टैक्सी का भाड़ा लगभग 2 रुपये होगा। उसने तुरंत ही अपने दोस्तों से 4 रुपये उधार मांग लिए। अस्पताल पहुंचने के बाद जब वो टैक्सी वाले को पैसे देने लगी, उसने कहा, पैसे तुम रखो, तुमको खाना खरीदने के लिए चाहिए होंगे। जाओ जल्दी अपनी अम्मा को अंदर ले जाओ, मैं गेट पर ही रहूँगा। अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि अम्मा को पूरी तरह जांचने के लिए वहीं रखना होगा। वो अम्मा को अस्पताल छोड़कर घर वापस आ गई। उसने देखा कि घर के मुख्य दरवाजे पर एक नया ताला लगा हुआ था। घर का सब सामान घर के आगे रखा हुआ था। वो परेशान हो गई। ठीक उसी समय मकान मालकिन आई और बोली, अब तुम लोग इस घर में नहीं रह सकते। तुम्हारी अम्मा इस घर में मर जाएगी तो कोई भी किराएदार फिर यहाँ रहने को नहीं आएगा। मीनाक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो नहीं जानती थी कि उस अंधविश्वास का क्या जवाब दे। वो अपने पिताजी को भी सूचना नहीं दे सकती थी। कोई फोन ही नहीं था। उसकी माँ अस्पताल में भर्ती थी। अब वो और उसकी अम्मा बेघर हो गए थे। वो अपने बंद घर के सामने ही बैठ गई। वो बहुत थकी हुई और भूखी थी। ऊपर से सर पर सूरज चमक रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। शाम को वो फिर से अस्पताल गई। डॉक्टरों ने कहा कि अम्मा को टीबी अस्पताल में जाँचाना होगा। उसने उनको विनती की कि उस रात के लिए वो अम्मा को उसी अस्पताल में रख ले। उस रात मीनाक्षी अपने स्कूल में ही सो गई। एक शिक्षक ने उसको सहायता किया और उसको स्कूल में सोने दिया। अगले दिन वो फिर से उस टैक्सी ड्राइवर से मिली। उसने तुरंत उसकी अम्मा को अपनी टैक्सी में रखा और उनको टीबी अस्पताल ले गया। वहाँ ये पता चला कि अम्मा को टीबी नहीं थी। उस रात मीनाक्षी अपनी माँ के साथ पास के एक घर के बरामदे में ही रही। उसको रात बिताने के लिए 50 पैसे देने पड़े थे। 2 दिन तक बहुत से डॉक्टरों ने अस्पताल में अम्मा को देखा और कहा कि अब उनका उपचार नहीं हो सकता। अगली सुबह वो टैक्सी ड्राइवर फिर आ गया। मीनाक्षी उस ड्राइवर को अपने भाई की तरह मानने लगी थी। उस टैक्सी ड्राइवर को जैसे मालूम हो जाता था कि कब मीनाक्षी को उसकी ज़रूरत होती थी। मीनाक्षी उसके साथ टैक्सी में क्राइस्ट नगर चल गई और अपना सभी सामान टैक्सी में रखा। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ जाएगी। उसने ड्राइवर को पूरी बात बता दी। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, कोई रास्ता निकल आएगा। टैक्सी चलने लगी। कुछ ही दूरी में एक बूढ़े महानुभाव मिल गए। वो मीनाक्षी के परिवार को जानते थे। ड्राइवर ने उनको मीनाक्षी और उसकी अम्मा को कुछ दिन उनके घर में रहने देने का अनुरोध किया। वो मान गए और मीनाक्षी और अम्मा वहीं रहने लगे। टैक्सी ड्राइवर ने इतने दिनों में कितनी ही बार मीनाक्षी और
उसकी अम्मा को बहुत जगहों पर पहुंचाया था, परंतु उसने एक पैसा भी नहीं लिया था। वो लगभग 22 वर्ष का रहा होगा, परंतु वो बहुत ही उदार व्यक्ति था। वो तो मीनाक्षी के लिए एक देवदूत ही बन गया था। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी के बड़े भाई बम्बई से आ गए। उन्होंने एक और घर किराए पर ले लिया और मीनाक्षी और अम्मा उस नए घर में रहने लगे। इतना सब करने के बाद भी अम्मा को नहीं बचाया जा सका। वर्ष के अंतिम महीने में अम्मा का निधन हो गया। अपने स्कूल के इम्तिहान के बाद मीनाक्षी भी अपने भाई और पिता के पास बम्बई चली गई। उसने वहाँ अपनी पढ़ाई पूरी की और एक शिक्षिका बन गई। बम्बई में उसकी शादी हो गई और उसका जीवन सुचारू रूप से चलने लगा। मीनाक्षी कभी भी उस टैक्सी ड्राइवर से नहीं मिली, परंतु वो अफसोस करती है कि वो उस देवदूत को ठीक से धन्यवाद भी नहीं कह सके। अपनी कहानी अपने स्कूल की अन्य शिक्षिकाओं को सुनाते हुए वो एक दिन कह रही थी, आज मैं जो कुछ भी हूँ उस टैक्सी ड्राइवर के कारण ही हूँ, मैं पूरे जीवन उसकी ऋणी रहूंगी। मित्रों, इस दुनिया में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं और उनके जीवन में फिर से प्रकाश ला देते हैं। ऐसे खूबसूरत लोगों के कारण ही अभी तक ये दुनिया खूबसूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।